आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी आवास का घेराव किया। दिल्ली के उपराज्यपाल आवास पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद हाथों में तख्ती बैनर लेकर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे जिन पर लिखा हुआ था, एलजी साहब शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो। शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम को नया मेयर मिलना था, लेकिन एमसीडी में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के साथ हंगामा हो गया। सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में हाथापाई हो गई और जमकर लात घूंसे भी चले। इन सबके बीच सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आज यानी शनिवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद हाथों में तख्ती बैनर लेकर धरना प्रदर्शन करने पहुँच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। एलजी हाउस पर आए हैं, हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि संविधान की हत्या करना बंद करिए। आम आदमी पार्टी संवैधानिक तरीके से चुनाव जीत कर आई है, आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से एमसीडी का चुनाव जीत कर आई है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। क्यों आप बैकडोर के तरीके से बीजेपी की सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों गैर संवैधानिक तरीके से कल नॉमिनेटेड मेंबर से वोट डलवाने की कोशिश की जाती है, जब संविधान ही कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, तो क्यों कल उनसे वोट डलवाने की साजिश की जा रही थी? मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगी, आप इस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संविधान की रक्षा करना आपका पहला धर्म है, बीजेपी की रक्षा करना आपका धर्म नहीं है। संविधान की रक्षा करिए, बीजेपी की रक्षा मत करिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।